बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है पीएम मोदी आस्क व्हाई रिच इंडियंस आर मैरिंग इन फॉरेन कंट्रीज बाय प्रशांत धवन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को, उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है। इन्होंने ये कहा है कि एक ट्रेंड शुरू हो चुका है कि कई लोग अमीर बनते इंडिया में हैं, मतलब कि भारत में कमाते हैं, बड़े स्केल पर इंडियन इकोनॉमी का यूज़ करते हैं, मगर जब खर्चने की बारी आती है, जब शादियों पर खर्चने की बारी आती है ना, तो भारत में ना शादी करके लोग विदेश में जा रहे हैं और कंट्रीज़ में जाकर बड़े स्केल पर पैसा खर्च रहे हैं अपनी शादियों पर। और ये कहीं ना कहीं हमें अवॉइड करना होगा। और इसलिए पीएम मोदी ने अर्ज किया है बड़े परिवारों को, जो पैसे वाले लोग हैं उनको अर्ज किया है, क्योंकि आप अर्ज ही कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप उनको लीगली रोकोगे, आप उनको गुहारी लगा सकते हो कि आप लोग पढ़े लिखे हो, आपके पास पैसा है, आपके पास अवेयरनेस है, आपके पास ऑप्शंस हैं, तो क्यों ना आप जब शादियाँ कर रहे हो तो इंडिया में शादी करो। ये जो ट्रेंड शुरू हो गया है कि टर्की में जाके शादी करना या फिर इटली में शादी करना या फिर कई लोग थाईलैंड में चले जाते हैं, ये देखिए खराब है भारत की इकोनॉमी के लिए। इससे जो पैसा इंडियन इकोनॉमी में आना चाहिए, जो पैसा खर्च होना चाहिए इन इंडिया, वो बाहर जा रहा है ना। पीएम मोदी ने इस इशू पर ना एक डेढ़ मिनट तक कुछ कॉमेंट्स करी है। मैं चाहता हूँ ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये आप सुने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर हम और डीप जाएंगे इस टॉपिक के। अभी शादियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। कुछ व्यापार संगठनों का अनुमान है कि शादियों के इस सीजन में करीब 5,00,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। शादियों से जुड़ी खरीदारी में भी आप सभी भारत में बने उत्पादों को ही महत्व दें। और हाँ, जब शादी की बात निकली है तो एक बात मुझे लंबे अरसे से कभी कभी बहुत पीड़ा देती है, और मेरे मन की पीड़ा मैं मेरे परिवारजनों को नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा। आप सोचिए, इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है? क्या भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा, देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा, छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? क्यों न हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें? हो सकता है आपको चाहिए वैसी व्यवस्था आज नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो व्यवस्थाएं भी विकसित होगी। ये बहुत बड़े परिवारों से जुड़ा हुआ विषय है। मैं आशा करता हूँ मेरी ये पीड़ा उन बड़े बड़े परिवारों तक जरूर पहुँचेगी। ये सर्टनली एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आप खुद सोच कर देख लो, जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मुझे दर्द होता है, मुझे पीड़ा होती है देख कर के इंडिया के बिजनेसमैन जिन्होंने कमाया इंडिया सही है, जब शादी की बात आती हो, देखो आप लोग इंडिया में ही रहते हैं, आप लोग समाज में क्या हो रहा है ऑब्वियसली प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में लंबे समय से एक ट्रेंड चलता आया है कि आदमी अपने एक बार को एजुकेशन, हेल्थ केयर और चीज़ों पर ना थोड़ा सा कम खर्च दे, शादी पर अच्छे से खर्चता है। आज के समय कोई भी आदमी ना 5-10 लाख तो आराम से शादी पर खर्चता ही है, कहीं से चाहे उधार मांग के खर्चे, मगर शादी पर अच्छे खर्चेगा वो। और जो बड़े परिवार हैं जिनके पास अथा पैसा है, उनके बारे में तो देखिए काफ़ी बार हम पढ़ते हैं अखबारों में कि जी इन्होंने प्लेन पर शादी करी है, ये पूरा अपना परिवार ले गए यूरोप में, वहाँ पर शादी करी है। और ये जो ट्रेंड है ना, ये पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है, क्योंकि कई फेमस कपल्स हैं उन्होंने इंडिया से बाहर जाके शादी करी है, तो लोगों ने सोचा कि ठीक है अब ये कर रहे हैं तो अब ये ट्रेंड बन चुका है, हम भी इसको कॉपी करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर बताऊं, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इन्होंने शादी करी थी इटली में। इटली में एक जगह है टस्कनी के नाम से, आज के समय ना ये एरिया एक फेमस वेडिंग स्पॉट बन चुका है, पहले भी थोड़ा बहुत था मगर जब से विराट कोहली ने वहाँ पर शादी करी है आप कह लीजिए एक्स्ट्रा फेमस हो गया है। सोच कर देखिए कितना सारा खर्चा होता होगा फॉरेन में शादी करने के लिए। एक तो पहले आपको
जो एरिया वो रेंट पे लेना है 5-10 दिनों के लिए, फिर जो बहुत सारे गेस्ट आएंगे उनके लिए खाना वगैरह, करोड़ों रुपए पानी की तरह बह जाते हैं। और जैसे पीएम मोदी ने कहा, इंडिया में जो शादियों का बिजनेस है ना, कई एस्टिमेट्स के हिसाब से 5 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर है। ना ये पीएम मोदी कह रहे हैं, वैसे मैंने कई एस्टिमेट्स और भी पढ़े हैं उधर। आपको जो ये आंकड़ा है ना, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर हम इसमें और चीज़ों को भी ऐड कर दें, क्योंकि इंडिया में काला धन भी काफ़ी यूज़ होता है, तो उसको भी अगर हम ऐड कर दें तो ये आंकड़ा आराम से मतलब 7 से 8 लाख करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। इंडिया में वेडिंग्स, शादियां एक ह्यूमंगस इंडस्ट्री है अपने आप में। कई लोग कहते हैं कि इंडिया की एक्चुअली तीसरी और चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री का पैसा तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे ना कि इंडिया में ही खर्च हो, मगर अजीब बात है कि कई कंट्रीज़ हैं जिनको वैसे आप कह लीजिए लोग इतना प्रेफरेंस देते नहीं है, दुनिया में वो कंट्रीज़ फेमस नहीं है शादी के लिए। अमेरिकन्स वहाँ पे जाके शादी नहीं करते, यूरोपियन शादी नहीं करते, चाइना के लोग वहाँ पे शादी नहीं करते, मगर इंडिया में आप कह लीजिए ट्रेंड चल गया है कि टर्की में जाके शादी करो। जी हाँ, टर्की मैं आपको बता दूँ एक हॉटस्पॉट बन चुका है लग्जूरियस इंडियन वेडिंग्स का। और अगर हम सोच कर देखें कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगेन जिन लोगों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा समर्थवान हैं, पैसे वाले लोग हैं और इनके पास ऑप्शंस हैं। देखो अब आप कल को अगर मान लो कोई आदमी है 25,000 रुपये कमाता है, ठीक है, 20-25,000 रुपये कमाता है, उसको अपना जो परिवार है वो भी पालना है, वो कल को कोई चाइनीज़ फ़ोन ले जाता है, ऑब्वियसली आप उसको जाके नहीं कहोगे अरे तुम्हें देशभक्ति दिखानी चाहिए, कोई चाइनीज़ फ़ोन मत लिया करो। आपको ही पता है कि मजबूरी है, उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जो सबसे सस्ती ऑप्शन उसको दिखी उसने वो परचेज कर लिया। हाँ, अगर कोई आदमी है वो कमा रहा है जी आराम से 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1,00,000 रुपये के आसपास, आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप समर्थवान हैं, आपके पास प्रॉब्ली नॉलेज भी होगी, आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, आप तो एटलीस्ट जो एक जियोपॉलिटिकल ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से एक मेड इन इंडिया या फिर आप कह लीजिए सैमसंग या फिर कोई और फ़ोन परचेज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम देखो यही है कि इंडिया में ना फॉरनर्स लिटरली एक स्टेटस सिंबल है। यहाँ पर आप देख पाओगे हेडलाइन, ये इंडिया में ही हो सकता है। इंडिया में रिसेंटली एक स्टार्टअप ओपन हुआ है, कई स्टार्टअप्स अब ओपन हो रहे हैं। ये कंपनियाँ कह रही हैं कि अगर अपनी शादी में आपको फॉरनर्स चाहिए ना, तो हम इसका प्रबंध करा सकते हैं, आपको कुछ पैसा पे करना है और इस तरीके से नीली आँखों और ब्लॉन्ड बाल वाले जो लोग हैं फॉरनर्स, ये आपकी शादी में आ जाएंगे आपकी शादी की शोभा बढ़ाने के लिए। और ये ऐसा नहीं है कोई दोस्त वगैरह होते हैं, लिटरली आप कह लीजिए रेंट पे फॉरनर्स को लाया जाता है शादी पर। क्यों? स्टेटस सिंबल है। ये लिटरली यही कहूँगा, समाज में हमारे यही है कि फॉरनर्स मतलब के जी ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, स्टेटस सिंबल है। आप ऑनलाइन भी देख लीजिए, हमारी मूवी के ट्रेलर्स आते हैं, लोग फॉरनर्स के रिएक्शन देख रहे होते हैं कि वो क्या कहेंगे हमारी मूवी के बारे में। तो इस टॉपिक के बारे में देखिए बात करने की आवश्यकता है, डिस्कस करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज है, उनके पास ऑप्शंस हैं। और वी शुड मेक देम रियलाइज कि देखिए जब भारत इतना ज़्यादा खूबसूरत देश, ये आपकी जन्मभूमि है, यहाँ पे आपको कश्मीर से लेकर केरला से लेकर आपको वेस्टर्न घाट से लेकर आपको यू नो नॉर्थ ईस्ट इतनी वैरायटी मिलती है। आई मीन एक बार को अगर मान लीजिए हमारी कंट्री का साइज़ अगर बहुत छोटा होता, कोई टापू टाइप का होता, तो एक बार को आदमी कहता है कि जी लिमिटेड जगह है। कंट्री हमारा इतना डाइवर्स, इतने सारे विभिन्न कल्चर, जितनी सारी ऑप्शंस, और अब तो धीरे धीरे जो ट्रांसपोर्ट है ये भी काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा है, तो वाई शुडंट द रिच इंडियंस मैरी इनसाइड इंडिया। जो पैसा खर्च होना है बाहर के देशों में वो इंडिया में खर्च करो, एटलीस्ट हमारे लोगों को मिलेगा ना वो पैसा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अवेयरनेस जगाने की काफ़ी आवश्यकता है। आपको भी कभी अगर मौका मिले सोशल मीडिया पर डिस्कस करिएगा ये टॉपिक, और जो अमीर लोग हैं देश के उन तक ये मैसेज पहुँचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप शादियां करने के लिए जाते हो बाहर के देशों में, टर्की में, इटली में कहीं जाते हो शादी करने के लिए, फिर उनकी जो फोटोज़ है वो पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे और जगह, ये प्राउड करने वाली बात नहीं है, उल्टा आपने ख़राब काम ही किया। आपको इंडिया में बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल थी और आप इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर सकते थे। तो खैर, लिखेगा इसके बारे में, मैं जानना चाहूँगा आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। और फाइनली यहाँ पर मैं आपसे पूछूँगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने अपनी जो ऑफिशियल एम्बेसी है ये बंद कर दी है इन इंडिया, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी इनको। तो ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कनाडा, ईरान, यूएसए या फिर अफगानिस्तान। रिसेंटली ये टॉपिक कन्वर्सेशन में था, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि किस कंट्री ने रिसेंटली अपनी एम्बेसी क्लोज कर दी है इन इंडिया। देखते हैं, कोशिश करूंगा उनकी कॉमेंट को मैं हार्ट दे दूँ।
ऑनलाइन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मेरे गॉड्स वॉच ओवर। भाई डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो है ना, वो मैंने सुन रखा था कि होती हैं इंडिया के अंदर। बहुत सारी के लोग जो हैं एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, जो अच्छी अच्छी लोकेशंस होती हैं वहाँ पर जो है वो जाकर शादियाँ करते हैं। लेकिन जो है भाई दूसरे मुल्कों में भी जाकर करते हैं। ये मेरे ना एक बहुत नई चीज़ थी, मुझे नहीं था मालूम, लिटरली मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था। इवन कि मुझे ये भी नहीं था पता कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी भी जो है वो दूसरे मुल्क में हुई है। मुझे नहीं था मालूम, मुझे पता था। और बट मैंने ना इस टाइम पीरियड में एक चीज़ मतलब एक ऑब्जर्व की है कि इंडियन वाकई में अपनी शादियों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। मतलब पाकिस्तान में भी बिल्कुल बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं शादियों के, लेकिन अगर हम इंडियन शादियों को देखें ना, तो उससे कंपेयर करूँ तो मुझे वो बहुत छोटे लगते हैं। एलीट क्लास की भी मैं अगर बात करूँ तो उनके फंक्शंस बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, एक बड़ा बजट रहता है। बट इंडिया में जो हम देखते हैं जिस तरीके से लोग मतलब शादियों पर खर्चा करते हैं, आपको बहुत सारे फंक्शंस नज़र आते हैं, वैसा मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आता। और ऑल्दो हम लोग भी यहाँ पर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, बट पता है मुझे, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि शादी सिंपल ज़्यादा अच्छी लगती है। आई मीन आपको अपने बजट में रह कर ना शादी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग पैसे बोरो करेंगे सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए, लोग क्या कहेंगे। खैर ये चीज़ तो अच्छी हो गई पंजाब में। मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि यहाँ पर वन डिश जो है वो बहुत टाइम से मतलब यही वाला एक ट्रेंड है, क्योंकि अगर आप सिंध वाली साइड पर चले जाओ तो वहाँ पर वन डिश पंजाब के अलावा और कहीं पे हाँ नहीं है। मतलब वहाँ पर आप काफी सारी जो डिशेज बना, और ये भी मुझे मतलब रिसेंटली ही पता चला था। उससे पहले मुझे ये लगता था कि पूरे पाकिस्तान में ही एक लॉ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो बट स्टिल मैं कहूँगी ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च करते हैं। बाकी दूसरे मुल्कों में जाकर शादी करना डेफिनेटली, एक तो जैसे पीएम मोदी जी ने बोला कि 5 लाख करोड़ भाई एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और जैसे प्रशांत सर ने भी बोला कि अगर एक एस्टिमेट लगा रहे तो तीसरे या चौथे नंबर का एक ये सेक्टर आ जाता है बिजनेस का इंडिया में। तो भाई मैं कहूंगी कि 5 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं क्योंकि भाई मैं सीरियसली मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतने पैसे मतलब लगते हैं किस शादी के फेस्टिवल में, क्योंकि अभी पाकिस्तान में भी शादियों का जो है वो सीजन स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो जिस तरीके से बट हम लोग देखते हैं कि इंडियन शादियों में काफ़ी ज़्यादा मेन्यू भी होता है, फंक्शंस भी होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाकई में एक अच्छी अप्रोच है पीएम की कि आप अपने कंट्री के लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो एक तरह से ट्रेंड सेट करते हैं। तो जो नीचे वाला तबका होता है स्पेशली मिडिल क्लास तबका, वो कहीं ना कहीं पर वो उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता है, स्पेशली इन्फ्लुएंशियल लोग जो होते हैं। अब मैंने ये चीज़ मैंने खुद नोट किया है कि जब से विराट कोहली और अनुष्का की मतलब शादी हुई, उसके बाद इनफैक्ट जो अनुष्का ने जोड़ा पहना, मतलब उस तरह की आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ में नज़र आएगा, लोगों में नज़र आएगा कि वो वैसा ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। चले जोड़ा एक अलग चीज़ है, लेकिन जो है भाई बाबा तुम्हें क्या लगता है उनके जोड़े सस्ते होते हैं? सस्ते नहीं होते, लेकिन बने तो इंडिया में ही होंगे ना। बट फिर भी आप देखो जहां पर एक लाइक पर नाइट आपको 13.5 लाख रुपया पे करना पड़ रहा है, ये वाकई जो है ना वो काफी जिगरा ही नहीं है भाई। 13.5 लाख रुपया हो ना, यानी कि आप उसमें एक बहुत अच्छा फंक्शन जो है ना यहाँ पर अपने मुताबिक जो है वो अरेंज करवा सकते अभी के टाइम में। अभी भाई उसे कैलकुलेट भी तो करें ना, वो इंडियन इंडियन जो है पाकिस्तानी 13.5 लाख में अब आज के टाइम में नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये कि अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, लाइक जैसे 2018 की मेरा हाल में बात करें, तो तब 10 लाख में आपकी शादी में लग जाते थे, अब कह ले डबल जो है वो लग जाते होंगे। तो अगर जो है ना 13.5 लाख को 3 टाइम्स करे तो अच्छा खासा जो है वो हो सकता है। लेकिन मैं इंडिया में अगर बात करूँ भाई, वैसे मैं ये तो कहता हूँ भाई आपकी जो है ना डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो है वो होनी चाहिए, लेकिन जब आपका अपना मुल्क इतना खूबसूरत हो ना, तो उसमें जैसे अब इंडिया में अगर बात करें राजस्थान की शादियाँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे लगता है कोई आइलैंड में जाना हो तो आपके पास एंडमैन निकोबार है, यानी कि डिफरेंट आइलैंड्स आपके पास है, वहाँ पे बिल्कुल साउथ इंडिया में भी जा सकते हैं। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो भाई ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए मैं कहूँगा बहुत खूबसूरत जो है वो जगहें हैं। और लिटरली जब आप देखते हैं ना, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने एक शादी देखी भी थी,
जो भवन में थी, उम्मेद भवन में था, वहां पर राजस्थान में थी, वो भी फॉरेनर्स से जो अटेंड करने आए थे। बिल्कुल, अच्छा फॉरेनर्स वाला यार, ये भाई इंडिया की ट्रेंड सेटलर है और आने वाले टाइम में लगता है चीज आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगी यार। बट ना मैं पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है ना, उसमें मैं ये चीज देखती हूँ, क्योंकि वो पिक्चर जब सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलती है ना, तो आपको एक आधा फॉरेनर नजर आता है कहीं ना कहीं पर, वो मे बी उनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं जिनको वो लोग इनवाइट करते हैं, या मुझे नहीं पता कि भाई ये रेंट वाला सिस्टम जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ, फॉरेनर फॉर रेंट यार। बट मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले ना हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है मुझे लगता है हमारे यहाँ के लोगों का, कि अभी भी हम लोग ये चीज सोचते हैं कि हमारी शादियों पर कोई गोरा आएगा तो वो एक बड़ा VIP कंसीडर किया जाएगा, सारे लोग उसको देखेंगे। और ये पाकिस्तानी लोगों की भी मेंटालिटी है, मैं आपको ये सच बताऊंगी, क्योंकि हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मैं वो भी एक इंसिडेंट कोट करना चाहूंगी, तो उनकी मतलब जो बहू थी वो रशियन थी, और जब वो पाकिस्तान आई थी और वो उन्होंने मुझे नहीं याद, अच्छा तो नहीं याद था, लेकिन ये है कि मतलब एक होता है कि अच्छा सारे ऐसे इर्द गिर्द होकर बैठ जाते, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा हाँ याद आ गया, याद आ गया, सबसे कमतरी का शिकार है ना हम लोग ब्रिटिशर्स के टाइम से, तो मुझे लगता है इसको थोड़ा हमें कम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि उनके साथ आप अच्छा सलूक ना करो या उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करो, बिल्कुल करनी चाहिए, बट माइंड जो प्रॉब्लम है ना इसको डिसॉल्व करना चाहिए। वो अच्छे हैं, एक तो शादियों पे आते हैं, शादियां अटेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, पैसे भी लेकर जाते हैं, सही है यार, मजे हैं उनके भीड़ तो। एग्जैक्टली वही तो कह रही हूँ कि ये प्रॉब्लम हमारे माइंड की है, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है। So, ये मेरे लिए एक नया, मैं कहूंगी कि पॉइंट था जो हम लोगों को पता चला है। बाकी टर्की में इतनी ज्यादा शादियां हो रही है ये भी मुझे नहीं पता था वैसे, कि इंडिया में, इंडिया से बहुत ना, वही मुझे आज ये पता चला कि भाई जो है बाहर के मुल्कों का जो इतना ये बना हुआ है, ये मेरे फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि दूसरे मुल्कों में जाके लोग शादियां कर रहे हैं। कुछ मैं देखती हूँ जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो मतलब जब शादी करने जाते हैं तो लाइक उनका होता है कि जैसे स्पेशली कैपेडोशिया में जो टर्की का है सिटी, वहां पर वो जाकर अपना फोटो शूट वगैरह करवाते हैं। सो ये सारी चीजें मतलब देखने को मिलती जरूर है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि इस एंगल से नहीं सोचा था कि आपकी खुद की कंट्री को इतना ज्यादा नुकसान ये होता है। फोटोशूट एक अलग चीज आ जाती है, लेकिन पूरे का पूरा टब्बर साथ लेकर जाना, जहाज भर कर, तो मेरी बात सुनो, मतलब सिर्फ फोटोशूट करवाने के लिए भी जाने था, पैसा लगाकर आप लेकिन चले वो एक तरह का आपका आप कह लें हनीमून भी आप कह लें कि एंजॉय कर रहा था, शादी से पहले होता है, मतलब शादी से पहले कौन सा तुमने हनीमून मना लिया। लेकिन एक और चीज मैंने ये बात देखी है कि ना ये अभी रिसेंटली मैंने एक फुटेज देखी थी, पूरे का पूरा प्लेन बुक करवाया हुआ था शादी के लिए, सो और इवन के उसमें ना वो फ्लावर्स के साथ डेकोरेट किया हुआ था। हाँ, तो मतलब ये देखो कि ये एक अलग अलग ट्रेंड जो है वो सेट हो रहा है। भी शादी की थी पता नहीं, ये नहीं मुझे पता, बट मुझे ऐसा था कि उसी के अंदर शादी जो है ना वो ऑर्गेनाइज की गई, मुझे लग रहा है कि शादी शायद प्लेन में ही की गई है। तो लेकिन वैसे मैं सोच रही थी कि अगर शादी प्लेन में की गई है, भाई मेरे जैसे लोग तो बहुत डरते हैं, प्लेन में बैठते हुए बहुत डरते हैं कि लाइक या अल्लाह खैर से हम लोग पहुंच जाएं, पता नहीं कि कैसे मतलब कैसे कैसे शादियां जो वो प्लान कर रहे हैं लोग। बट खैर मुझे लगता है कि ये अहम मुद्दा है, बाकी मर्जी तो हर किसी की अपनी है कि अपने बजट के मुताबिक किसी ने करना है, कभी किसी ने सुनना तो नहीं है किसी का, बट आई थिंक PM की बात करना बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आती है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि आपका ये कहना है इसके बारे में, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी शादी कैसे करना चाहते हैं, क्योंकि मौसम पर भी आज बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत सारे आप कैसे शादी करना चाहते हैं। और इसी के साथ गुड बाय।